सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में 12 से 15 नवंबर 2022 तक खेली जा रही 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 के चौथे एवं अंतिम दिन 15 नवंबर 2022 को खेले गए फाइनल मैच में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे ने पश्चिम रेलवे को 73-37 से एक तरफा मुकाबले में फाइनल मैच जीत लिया। मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम रेलवे के बीच खेले गए मैच में पूर्वोत्तर रेलवे आरंभ से ही उच्च कोटि के खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम हाफ में पश्चिम रेलवे से 23-13 से आगे थी। आरंभ से ही पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी तेजी से अंक अर्जित करते रहे। द्वितीय हाफ में भी पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी मैच पर पूरी तरह छाए रहे और मैच 73-37 से जीत लिया। पूर्वोत्तर रेलवे के सुनील महला ने 29 अंक एवं दीपक कश्यप ने 13 अंक अर्जित किए। इसके अतिरिक्त अमित चहल, छोटेलाल यादव, विजय कुमार, रविंद्र सिंह, कमलेश भारती, शेख तवरेज, भीम सिंह, अजीत तिवारी एवं अखिलेश्वर सिंह ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। पश्चिम रेलवे के खिलाड़ी रमेश मीना ने अपनी टीम के लिए 24 अंकों का योगदान किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे को 30वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता कराने का अवसर मिला, जिसके लिए प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तारिक अहमद बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल के बास्केटबॉल खिलाड़ियों के कुशल प्रदर्शन से पूर्वोत्तर रेलवे ने चैंपियनशिप जीती। रेलवे सुरक्षा बल स्वयं रेल के एक यूनिट के रूप में प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है, जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उन्हें मौका मिलेगा। श्री रमन ने कहा कि भारत सरकार भी खेल प्रतियोगिता में विशेष रुचि ले रही है। भविष्य में रेलवे सुरक्षा बल के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल तारिक अहमद ने कहा कि प्रतियोगिता में कुल 10 टीमों ने भाग लिया, जिन्हें दो ग्रुपों में बांटा गया था और कुल 24 मैच खेले गए। प्रथम सेमीफाइनल में पश्चिम रेलवे ने उत्तर रेलवे को तथा द्वितीय सेमीफाइनल में पूर्वोत्तर रेलवे ने मध्य रेलवे को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। तीसरे स्थान पर उत्तर रेलवे की टीम रही। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की टीम का चयन किया गया है, जो अंतर रेलवे बास्केटबॉल प्रतियोगिता और अखिल भारतीय पुलिस खेलों में भाग लेगी। आज खेले गए अन्य मैचों में उत्तर रेलवे ने मध्य रेलवे को 54-33 से हराकर तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। अंत में धन्यवाद ज्ञापन मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल रफीक अहमद अंसारी ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनईआर टीम के कैप्टन दीपक सिंह कश्यप एवं पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा, धन्यवाद।
हमारे सामने हमारे सुविधाओं में रहे हैं, कोई इस तरह की मुस्कुराने चल रही के कोच द्वारा कुछ इनको मौके में मौके को मान्य हमने अर्जित किया।
तो तीसरे वर्ष भारतीय रेलवे कश्यप बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। हालांकि जाकर उसको लीड होने के बाद में ढीले पड़े थे, लेकिन जब कश्यप सिंह श्री छोटे लाल सिंह यादव नंबर अंकों के अर्जित करने वाले चाहिए बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किए। विजय कुमार थोड़े छोटी हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे एमी रेलवे के फिंगर माने जाते हैं, बहुत पुराने। श्री रविंदर सिंह खिलाड़ी रहे हैं जो रणजी रेलवे के कोच हैं, श्री रणजीत सिंह, इनके अथक प्रयास से उच्च पाते हुए विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। और अब ऐसे प्रधानमंत्री सुरक्षा आयोजन में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रकोष्ठ का आयोजन किया। रिटायर हुए श्री विपिन कुमार सक्सेना प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री चंद्रवीर रमन जी महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे हैं। मैं अपने और आयोजन समिति की तरफ से मुख्य अतिथि महोदय का आभार एवं स्वागत करता हूं। नाम है दीपक सिंह कश्यप, सब इंस्पेक्टर आरपीएफ इज्जतनगर डिवीजन। टीम विजेता हुई है, क्या कहेंगे सर? थैंक्स अलॉट। एनईआर टीम पिछले साल भी विजेता थी, इस साल भी विजेता रही है। हमारी कोच और बाकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टीम की अथक प्रयास के कारण टीम इस साल भी विजय रही है। 10 टीमों ने इस पार्टिसिपेशन लिया था इस कंपटीशन में, और फिर 4 लीग मैच होके फिर सेमीफाइनल फाइनल हमारी टीम जीती है। टीम यंग प्लेयर से सुसज्जित है, और आगे भी अब हमारी टीम एक नेशनल टीम बनी गई है पूरी आरपीएफ को लेके, जिसको आगे भी अथक प्रयास करके जीतेगी टीम। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी युवाओं को? बाकी युवाओं को ये संदेश है कि जीवन में जैसे कोविड आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें आ रही है, स्पोर्ट्स से आप जुड़ के एकदम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छी डाइट लीजिए, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में आप जुड़ के रहिए। अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह था, जैसा कि आपको बताया था कि ये 12 तारीख से शुरू हुआ था और ये समाप्त हुआ, तो इसमें बहुत सारी टीमें थी, लगभग 10 टीमें थी। तो जो टीम जी उनको मैं बधाई देता हूँ, बट जो टीम और सब पार्टिसिपेट किए उनको भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने भी टीम को गेम को बहुत टीम स्पिरिट के साथ खेला और पार्टिसिपेट किया। और हम समझते हैं कि इस टीम के जितने भी टीम बाहर से आए उनको भी ये मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से खेले, और उनको यहाँ गोरखपुर भी अच्छा लगा होगा। तो मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आगे में और अच्छा करें।